अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज मैं आपके लिए चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो होटलों से मिलती है, बाज़ार से मिलती है, लोग महंगी महंगी लाकर खाते हैं। आज मैं आपको घर के मसालों से बनाकर तैयार करके दिखाऊँगी। आसानी से घर में तैयार हो जाती है, बहुत सस्ती से तैयार हो जाती है। मैं आपको थोड़ा सा तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें कितना नरम सा ये देखें। ये बहुत आसानी से घर बन जाता है। चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पूरी एक मैंने मुर्गी ली है। इसको मैंने कटिंग नहीं करवाई क्योंकि मैंने पूरी सारी की सारी रोस्ट करनी है। इसको आप पूरी मुर्गी भी कह लें, इसको बाज़ार वाले चरगा कहते हैं, जो मर्ज़ी आप कह लें। ये देखें नज़र आ रही है, ये पूरी की पूरी मुर्गी मैंने ले ली है। इसको अब हम इसको रोस्ट करने के लिए मसाले लगाते हैं। सबसे पहले इसको हम कट लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें इस तरह हल्के हल्के से इसको कट लगा लें। इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत चर्बी थी वो तो मैंने उतार दी है। अगर थोड़ी बहुत लगी भी हो ना तो कोई मसला नहीं है, बस ये है कि ज़रा साफ़ सुथरा सा धो लें। ये देखें ठीक है। अब हम इसको साइड चेंज करते हैं। ये देखें इधर से ऐसे, ये कट इसलिए लगाते हैं कि इसके अंदर तक मसाला चला जाए। कट लगा लेंगे। ये लग गए। अब हम सबसे पहले इसको लगाएंगे, ये मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको पहले सारी कोटिंग करेंगे। ये जो कट लगाए हुए हैं ना, इसके अंदर भी कोशिश करें कि अंदर तक इसका लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाए। अच्छे तरीके से सारी तरफ मलना है इसको। अब इसके अंदर तक मसाला लगाते हैं सारा, क्योंकि मसाला भी हमने अंदर तक लगाना है, तो इसलिए हम सारी तरफ इसको मल देंगे। ये लग चुका है। अब हम इसको जिस बर्तन के अंदर हमने इसको रोस्ट करना है, स्टीम रोस्ट हम कर रहे हैं, तो अब उस बर्तन के अंदर मैं रखती हूँ। ये मैंने ये एक नॉनस्टिक की कढ़ाई ली है, इसी के अंदर, इसका ये है कि इसके अंदर लगेगी नहीं नीचे, जो चिमट जाते हैं ना सिल्वर के बर्तन में वो नहीं चिमटेगा। तो अब मैं इसको इसके अंदर रखने लगी हूँ। मैंने इसके अंदर रख दिया, पहले हम मसाले तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने ये एक बाउल लिया छोटा सा, इसके अंदर 2 टीस्पून मैं सूखा धनिए का, ये ददड़ा सा है, फुल पाउडर भी नहीं है, ये 1-2। इसके अंदर अब डालेंगे नमक, ये 1 टीस्पून, ये 1 टीस्पून में डाल दें। 1 टीस्पून हम इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ, ये 1/2 टीस्पून इसके अंदर अजवाइन, 1/2 टीस्पून इसके अंदर ये दादर मिर्च है।
अब हम सबको मिक्स कर लेते हैं। मसाला तैयार हो चुका है, अब हम लगाते हैं, चिकन को लगा लेते हैं जिसके अंदर मैंने इसको पकाना, मैंने उसी बर्तन के अंदर रख लिया। अब हम मसाला लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा लेकर हम सारी तरफ लगा के अब हम माल लेंगे इसको। अच्छे तरीके से आपने वो जो कट लगाए हैं उनके अंदर भी लगे बाहर भी लगे, पूरी मुर्गी को हमने इस तरह माल देना है। थोड़ा थोड़ा लेते जाएं और इसको मल के लगा के मलते जाएं। इस तरह लग गया सारी तरफ, आप इस तरह उल्टा लेंगे। ये अंदर तक सारी तरफ माल देना है इसको। देखिए सारा मसाला इस तरह, ये इसके विंग्स है, इसके बाजू मुर्गी के, ये देख लीजिए पूरी मुर्गी को देख लीजिए। देखिए इस तरह आपने अंदर तक सारा मसाला लगाया। अब हम जो इसके लेग पीस हैं पकड़ कर हम इसको धागे के साथ बांध देंगे इस तरह से। अब बांध लिए, अब हम इसको ऐसे उल्टा के अब हम ढक्कन लगा देंगे। बिस्मिल्लाह, अब इसको हम 40 मिनट के लिए इसको रख देंगे ऐसे कैसे। 40 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं। ये देखें जी, अब इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी। अब 2 टीस्पून इसके अंदर ऑयल डाल के ये देखें साइडों पे डाल देना इस तरह। अब इसको ढांप देना इसी तरह ही, ढक्कन लगा के अब आग पे रखते हैं। बिस्मिल्लाह, इसको हम 5 मिनट के लिए मीडियम आग पे रखेंगे। जब ये सारा गर्म हो जाएगा बर्तन हमारा, फिर हम इसको दम वाली आग के ऊपर 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट बाद हम फिर इसका ढक्कन उठाएंगे। दम वाली आग पे रहना चाहिए इसको। आग पर रखे हुए हमें 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। इसको बड़ी एहतियात के साथ हमने इसकी साइड चेंज करनी है। अब हम इसको 40 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे पकने के लिए। तो आग हमने दम वाली रखनी है। 40 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, ये हमारा तैयार हो चुका है चिकन, पूरे का पूरी ये मुर्गी तैयार हो चुकी है हमारी स्टीम रोस्ट। इसके अंदर पानी ज़्यादा, ज़रा हम आग तेज़ करेंगे तो पानी खुशक होने देंगे। माशाल्लाह सुबहानअल्लाह, हमारा टेस्टी सा चिकन स्टीम रोस्ट तैयार है। ये बहुत मज़े का लग रहा है, मैं आपको थोड़ा सा तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें कितना नरम सा ये देखिए। ये बहुत आसानी से घर बन जाता है। आप कोई पार्टी करें, आप किसी की दावत करें, तो ये लाजमी आप बनाएं। जब आप बनाएंगे तो आपके जो मेहमान हैं आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे।
तो आप जरूर बनाना मेरे तरीके के साथ। तो फिर अच्छा सा मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। क्वांटिटी ये जो मैंने बना बताई है इसी के साथ आपने बनाना है। आप जब बनाकर खाएंगे तो आप बाजार से लाना भूल जाएंगे। आप हमेशा फिर घर में ही बनाएंगे। ये घर के मसाले से आसानी से घर तैयार हो जाता है। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अच्छा सा कमेंट करना है आपने, और मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।